बिजनेस में आप हर चीज खुद नहीं सीख सकते, आपको दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन दूसरे आपकी मदद क्यों करेंगे? देखो, वैसे अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट में जब भी आपको कोई मुसीबत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप किसी से मदद के लिए जा सकते हो और वो आपकी मदद करेगा भी। मैंने बहुत कम पर्सन ऐसे देखे हैं कि जब आप उनसे कोई मदद मांगते हो तो वो आपकी मदद नहीं करते। मोस्टली पर्सन आपको अपने हिसाब से बढ़िया एडवाइस देते हैं, लेकिन क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में वो आपकी मदद क्यों करेंगे, क्यों आपसे जुड़े रहेंगे, हमेशा आपको अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करेंगे। एक दो बार दे सकते हैं लेकिन हर बार नहीं दे सकते। तो अगर आप दूसरे आपकी मदद तभी करेंगे जब आप उनके लिए कुछ करेंगे, तो सबसे बढ़िया चीज तो दूसरों को अपनी मदद करने के लिए इंस्पायर करने की यही है कि पहले जब आप उनके लिए कोई फेवर करिए। आप जब उनके लिए फेवर करोगे एक बार, दो बार, तीन बार, तो ऑटोमेटिकली उनको भी लगेगा कि यार मेरे को इनके लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि ये चीजें मैंने अपने आप से भी बहुत देखी है। मैं एक्चुअली ब्लॉग शुरू से ही लिखता हूं और मैंने कभी भी किसी को एडवाइस देने के लिए कभी चार्ज नहीं किया। फोन आते थे मेरे पास, बहुत आते हैं फोन, तो बेसिकली ज्यादातर पर्सन बाद में ही कहते थे कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरे को मतलब वो ना भी कर पाए हो या मेरे को उस वक्त जरूरत ना हो, लेकिन मोस्टली बंदे जब उनको कोई आप मदद करते हो तो उनके मन में भी एक इच्छा जागती है कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, ताकि वो जो आपने उनकी मदद करी है उसका बदला साथ के साथ उतार सके। तो ये रहता है जब आप दूसरों की मदद करते हो, दूसरों को कोई फेवर करते हो, तो दूसरे भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए अगर आपको लंबे टाइम तक किसी की मदद की जरूरत है तो आपको भी उसकी मदद करनी पड़ेगी। और ये तो टू वे रास्ता होता है। आप किसी से एक बार मदद ले सकते हो, दो बार मदद ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस दो टू वे रास्ते में नहीं चलोगे, टू वे रोड में नहीं चलोगे, तो आप ज्यादातर आप फिर दोबारा बार बार उनसे मदद नहीं ले सकते।